तो ये हमारा इंट्रो है और इस इंट्रो में मैं ये बताता हूँ कि इसके बाद जो वीडियो स्टार्ट होगी उसमें हम किस चीज़ की आपको जानकारी देने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि इसके बाद जो वीडियो स्टार्ट होने वाली है उसमें आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे आप अमेजोन के प्रोडक्ट को सेल कराकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और कैसे आप अपनी खुद की वेबसाइट या ब्लॉग बनाकर अमेजोन के प्रोडक्ट को मतलब अमेजोन के एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करके कैसे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। फुल ट्यूटोरियल है जिसमें मैंने वेबसाइट बनाना भी सिखाया है और प्लस कैसे आप अपने अमेजोन के एफिलिएट प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट के माध्यम से सेल करके अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हो। और दूसरी चीज़ इसमें यह भी बताया है कि अमेजोन पर एसोसिएशन पार्टनर कैसे बन सकते हैं और फुल डिटेल वीडियो है, बड़ी वीडियो है तो आप देख लीजिए। पिछली वीडियो मेरी थी कि कैसे रीसेलिंग एप्लीकेशन को जो आपका 5101 ग्लो रोड बूपलर पर आपने स्टोर बनाया है उन्हें कैसे एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर हम कन्वर्ट तो कर रहे हैं लेकिन आप बताइए कि मोबाइल फ़ोन से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब अपने स्टोर को अपने खुद के नाम से एक एप्लीकेशन में। तो मैं उसकी वीडियो कल लाऊंगा और कल उसकी वीडियो आ जाएगी। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देख लीजिए कि कैसे आप 5101 ग्लो रोड बूपलर पर आपका जो स्टोर बनता है उसे खुद के एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद मेरी वीडियो आएगी कि जब आपका एप्लीकेशन खुद का क्रिएट हो जाएगा तो उसे कैसे आप प्ले स्टोर में डाल सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आगे आपको वीडियोज में बताता रहूँगा। जब तक के लिए आप ये वीडियो देख लीजिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को देखने के बाद पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मेरे को अब आप लोगों का बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है जब से मैंने ये सर्विस अपनी फ्री में की है। मैं एप्लीकेशन वगैरह बनाना आपको सिखा रहा हूँ तो आप लोगों का रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। वीडियो पर व्यूअर और वॉचिंग टाइम भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो मैं इस वीडियो में भी आपको बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कर सकते हो और एक अच्छी सी कमेंट मेरे लिए छोड़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाता हूं मैं और आपको दिखाता हूं कि चलिए कैसे काम होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं अपना ब्राउजर खोल लेता हूं क्रोम, और ये मेरा क्रोम ओपन हो रहा है। गूगल में हम सर्च करते हैं अमेजोन एफिलिएट, उसके बाद सबसे ऊपर जो वेबसाइट आ रही है उसको ओपन करते हैं। अमेजोन एफिलिएट की वेबसाइट है, अमेजोन एसोसिएशन भी बोलते हैं। जो मेरा अकाउंट खुला है उसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ, साइन आउट, क्योंकि मैं आपको पूरा करके दिखाने वाला हूँ कि हाँ भाई कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ज्वाइन नाउ फॉर फ्री ऐसे आएगा, तो उस पर ओके करना है। अपनी ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है। उसके बाद आपको अपनी डिटेल सबमिट करनी है, जैसे कि अपना पेमेंट डिटेल वगैरह, देखो ये टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। सबसे पहले योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर वगैरह वो सारे सबमिट करने हैं। उसके बाद आपको ये ऑप्शन आएगा फॉर यूएस टैक्स पर्पज, आर यू यूएस पर्सन, इसमें नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे ओके करना है आपको। नेक्स्ट पे ओके करने के बाद आपको अपने वेबसाइट या अपने एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन भरनी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक वेबसाइट बनाओगे या कैसे आप अपना ब्लॉग बनाओगे, उसका लिंक आपको यहाँ पे देना है। और फिर नेक्स्ट पे ओके करके प्रोफाइल में आपको अपनी बैंक डिटेल वगैरह सारी चीज़ें वो सबमिट करनी है और आपका अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि चलो अकाउंट बन जाएगा तो आपको फिर लॉगिन कर लेना है। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद ये तो हुआ कि अमेजोन एसोसिएशन में आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम इसको कैसे अपने ब्लॉग के माध्यम से प्रमोट करेंगे। तो सबसे पहले आप डालिए ब्लॉग स्पोर्ट .com, यहाँ पर मैं आपको ब्लॉग बना के और इनके प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करेंगे वो मैं बताऊँगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। जैसे कि मैंने ये blogspot.com डाला, उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी से साइन इन कर लीजिए और यहाँ पे आप एक नया ब्लॉग कैसे बनाओगे।
तो जब आप साइन इन कर लोगे तो यहाँ पे बीच में अभी मेरे बहुत सारे ऑलरेडी ब्लॉग हैं, तो ऐसे लिखा आएगा न्यू ब्लॉग, उस पर आपको ओके करना है। तो जैसे ही इस टाइप का आ जाएगा ओके करने के बाद, तो आपको अपने ब्लॉग का जो नाम रखना है वो टाइटल में डालना है। जैसे मैं सर्च करता हूँ या डाल के देखता हूँ कि कौन सा नाम अवेलेबल है या नहीं, इसमें डोमेन नेम है जिस नाम से आपका ब्लॉग या आपकी वेबसाइट सर्च की जाया करेगी। तो मैं डालता हूँ जैसे Amazon, देखो थोड़े Amazon के नाम से पहले से रजिस्टर होगा, तो इसलिए हमें अलग अलग नाम ट्राई करने हैं। Amazon डील, क्योंकि Amazon के प्रोडक्ट को हम यहाँ पे प्रमोट करेंगे, इसलिए बेस्ट डील। तो हम अलग अलग सर्च करके देखते हैं जो मिल जाएगा। Amazon इंडिया, बेस्ट डील, Amazon बेस्ट के नाम से मिल रहा है, पर ये नाम सूटेबल नहीं लग रहा मेरे को। Amazon इंडिया, मैंने डाल दिया ई Amazon इंडिया, ठीक है। यहां पे टाइटल में डाल देता हूं इसी नाम को, ई Amazon इंडिया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी थीम चेंज कर लीजिए, इस थीम को हम बाद में चेंज कर देंगे, ये बस एग्जांपल के लिए कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, बाद में हम एक अच्छी सी थीम लगाएंगे और उस पर एफिलिएट के प्रोडक्ट डाल के हम इस वेबसाइट या इस ब्लॉग के थ्रू प्रमोट करेंगे। क्रिएट ब्लॉग पर ओके करना है आपको, ये क्रिएट ब्लॉग लिखा हुआ दिख रहा है, चलिए ओके कर दिया। अब ये बन गया हमारा एक ब्लॉग, ब्लॉग का नाम है ई Amazon इंडिया। ये बोल रहा है कि अगर आप खुद का डोमेन लेना चाहें तो वो भी ले सकती हैं, मैं अभी कैंसिल कर देता हूं। ये फिलहाल में हमारा ये ब्लॉग बन के तैयार हो चुका है। अब इस ब्लॉग पर कैसे आप Amazon के प्रोडक्ट डालोगे, पहले देख लेते हैं ब्लॉग कैसा लग रहा है। इस ब्लॉग को अपडेट करने की ज़रूरत है, यहाँ पे आ रहा है ई Amazon इंडिया। आप अपडेट करना चाहो तो आप कैसे कर सकते हो, उसके बारे में मैं डिटेल दे देता हूँ। आपको गूगल में सर्च करना है ब्लॉग स्पोर्ट, ब्लॉगर डाल सकते हो, ब्लॉगर थीम फॉर फ्री। तो आप ऐसे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी थीम मिल जाएंगी जो कि आपको अच्छी अच्छी मिलेंगी, दिखाता हूं मैं। और हमें ये जो अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग का जो लुक दिख रहा है उसे चेंज करना है, कुछ अच्छा सा लुक देना है। अभी मैं इसे बैक करता हूँ, इस वाली साइड पर कोई अच्छी थीम नहीं है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वेबसाइट का लिंक, जो बढ़िया वेबसाइट मेरे को लगेगी जहाँ पे अच्छी अच्छी थीम मिल सकती हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ, इस पे भी शायद मेरे हिसाब से लोडिंग वेबसाइट है। चलिए ये अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से मैंने पहले भी थीम ली है। यहाँ पर फ्री ब्लॉगर थीम लिखा है, इस पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी थीम मिल जाएंगी अलग अलग टाइप की, तो आपको जो भी चाहिए आप वो ले सकते हो। तो अगर आप फीचर वाइज लेना चाहते हो या कैटेगरी वाइज लेना चाहते हो, टॉपिक वाइज लेना चाहते हो, तो ऊपर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। बाई टॉपिक्स पे क्लिक करता हूँ मैं, टॉपिक वाइज लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे न्यूज की आपको चाहिए, किस लिए चाहिए, तो उस टाइप की आप थीम ले सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर लिखा है उसका देखते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर की लगा के देखते हैं, अगर अच्छी सी मिलती है हमें तो ये ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर की हैं। देखो ये अलग अलग मोबाइल वगैरह गैजेट वगैरह आप जैसी भी लेना चाहो वो आप लगा सकते हो। तो बढ़िया सी कोई चूज कर लीजिए, चलिए मैं इसको चूज कर लेता हूँ, मेरे को ये अच्छी लग रही है, शॉपिंग गो ऑनलाइन स्टोर। आप जैसी भी चाहें वैसी चूज कर लीजिए जो आपको अच्छी लगे। आप अगर इसका लाइव प्रीव्यू देखना चाह रहे हैं तो ये लाइव प्रीव्यू का बटन आ रहा है, इसे देख सकते हैं कि ये अगर हम अपनी वेबसाइट में जो अभी हमने ई Amazon इंडिया बनाई है उस पर अपलोड करेंगे तो किस टाइप की ये दिखेगी। तो ये इस टाइप की दिखेगी, आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। इस टाइप की ये दिखेगी, यहाँ पर आपका मोबाइल वगैरह ये
आप आइटम वगैरह लोड कर सकते हो, कार्ट वगैरह का बटन सब कुछ आ जाएगा जिस हिसाब से आप चाहो, ठीक है। और दूसरी कोई लेना चाहो तो उसे भी ले सकते हो, पर मैं इसे लगा के दिखा देता हूँ। इसे डाउनलोड कर लेंगे इस थीम को, ये देखो डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड होने के बाद आपको कैसे ये अपलोड करनी है वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी, ठीक है। तो देखो ये डाउनलोड हो गई है, मैं क्या करता हूँ इसे ओपन करता हूँ, ये इस पे ओके करके सो इन फोल्डर, फोल्डर में देखता हूँ इसे और ये आ गई है। इसे थोड़ा और ओपन करता हूँ मैं, इसके अंदर दो तीन फाइल होंगी, फ्री वर्जन है, ओपन करता हूँ इसे भी, देखो ये आ गई। हमारी ज़रूरत है केवल XML डॉक्यूमेंट्स वाली जो फाइल है उसकी, तो मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी और डेस्कटॉप पे जाके कर देता हूँ इसे पेस्ट, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप पे जाके पेस्ट हो रही है। अब हम मैं क्या करता हूँ इसे इससे यहाँ से बाहर आके डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ और डेस्कटॉप पे मेरी ये फाइल आ गई होगी, ये रही, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे कर देता हूँ थोड़े से, इसको हटा देता हूँ, ये आ गई देखो फाइल, अभी हमने पेस्ट किया। एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस पे आपको ओके करना है, और जिनके में नोटपैड प्लस प्लस नहीं है वो डाउनलोड कर लो, और इस पूरी फाइल को कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर लो, मतलब सभी को सेलेक्ट कर लो। उसके बाद अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करिए और अपने जो आपने ब्लॉग स्पॉट पर अपनी वेबसाइट या अपना ब्लॉग जो बनाया है, जैसे ई अमेजन इंडिया हमने बनाया है, उस पर जाना है और थीम नीचे आपको थीम लिखा हुआ दिखेगा उस पर ओके करना है। एडिट HTML लिखा हुआ दिखेगा उस पर ओके करना है। उस पर ओके करने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा और आपके सामने ये ओपन होके आ जाएगी। इस सभी को सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है इस जो पहले से इसमें HTML की कोडिंग दी है। अभी आपने जो नोटपैड प्लस प्लस से जो पेस्ट की कॉपी की है उसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है और सेव थीम पर ओके कर देना है, ठीक है। ये ओके हो रहा है, देखो आपका अभी जो वेबसाइट और ब्लॉग बनाया है ई अमेजन पर वो इस टाइप का दिख रहा है। अब इसे रेफ्रेश करते हैं, जब आप रेफ्रेश करोगे तो ये एक अलग रूप में आपको। तो ये अभी खाली आ रहा है सब कुछ, अब आपको क्या करना है इसमें प्रोडक्ट डालने हैं और इसे थोड़ा सा अपडेट करना है। आप कोई और थीम लगाना चाहो तो कोई और भी लगा सकते हो, आपको यहाँ पे हजारों थीम मिल जाएंगी, जैसे आप इसे बैक करोगे तो बहुत सारी थीम मिल जाएंगी, तो आप कोई और भी थीम यूज कर सकते हो। मैं नहीं कहता कि केवल इसी को करो, इससे भी अच्छी अच्छी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। मैं तो बस एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ कि देखो कैसे आप अपने खुद की ब्लॉग या वेबसाइट बना सकते हो, उस पर एफिलिएट के या दूसरी किसी कंपनी के प्रोडक्ट, जैसे रीसेलिंग कंपनी है उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करके कैसे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग हैं और आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी चाहो उस हिसाब से बना सकते हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ये तो सेव हो गई, अब ये ब्लॉगर है, ब्लॉगर पर हमने ये बनाई है तो हमें पोस्ट करना है। थोड़ा सा इसे एडिट भी कर सकते हैं, लेआउट में जाके आप देख सकते हैं इसे पूरा अच्छे से एडिट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हटानी है, जैसे कि पेज, जो पेज आ रहा है ना, तो ये पेज का मतलब होता है जैसे ये आपकी वेबसाइट का पेज है, ये होम पेज आ रहा है, अबाउट अस पेज आ रहा है, कॉन्टैक्ट अस आ रहा है, ये सारी चीज़ें इनको आप चेंज करना चाहो तो ये पेजेस के सामने एडिट का बटन आ रहा है, तो एडिट पे ओके करके इसे आप बदल सकते हैं। जैसे होम पेज वगैरह कुछ एक्स्ट्रा पेज लगाने हैं तो ऐड पेज पे ओके करके आप और भी पेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हेडर में सबसे ऊपर हेडर माने सर, मतलब वेबसाइट का जो सर होता है, ये हेडर यहाँ पे ई अमेजन इंडिया लिखा है वो हुआ हेडर, तो वो है, उसे चेंज करना चाहते हो तो एडिट पे जाके उसे भी चेंज कर सकते हो। हेडर टू में आप कोई गैजेट लगा सकते हैं, हेडर टू मतलब एक तो ये सर हो गया, एक ये बगल की जगह जो बगल में खाली पड़ी है, तो ये यहाँ पे कुछ लगाना चाहो तो वहां पे भी आप लगा सकते हो, एड वगैरह देना चाहो, ठीक है। लेबल्स, जो लेबल्स हैं, मेन्यू बार हैं, जिन्हें मेन्यू बार बोलते हैं, तो उन्हें भी आप अपडेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और जो मेन लिखा है, ये मेन का मतलब होता है जो आपका ब्लॉग बना है, ये मेन पेज बिल्कुल मेन बीच में जो आया है उसको अपडेट करना चाहो तो उसे भी आप एडिट पे ओके करके अपडेट कर सकते हो, ठीक है। साइड बार, इधर की साइड दिख रहा है तो साइड बार मतलब ये वाला, इधर की साइड का साइड बार, जो इधर की साइड आपको दिख रहा है इधर ये वाला,
तो ये साइड बार को भी एडिट कर सकते हो आप अपने हिसाब से। मतलब आपको थोड़ा सा समझना है ब्लॉग में, फुटर मतलब वेबसाइट के जो निचला हिस्सा है, निचला हिस्सा है जो आप नीचे की साइड आओगे अपने ये वेबसाइट में, ये नीचे की साइड जो आपको दिख रही है उन्हें आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। फुटर में से, फुटर मतलब पैर, मतलब नीचे वाला हिस्सा, तो उसे अपडेट कर सकते हो जो भी चाहो। रिमूव करना चाहो किसी को तो रिमूव भी कर सकते हो, ऐड करना चाहो तो ऐड भी कर सकते हो। अब बात आती है कि कैसे प्रोडक्ट को हम यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पोस्ट पे जाना है, जो पोस्ट लिखा है न्यू पोस्ट पे ओके करना है। आपको पोस्ट लिखनी है, जैसे कि पहले तो अमेजोन एफिलिएट को आपको ओपन करना है, ठीक है। और आप एक काम करिए कि जैसे आप एक प्रमोट करना चाह रहे हो, मान के चलो कि मोबाइल्स को, तो आप गूगल में जाइए और गूगल में एक चीज सर्च करिए कि टॉप 10 मोबाइल्स फोन्स अंडर 10,000, ऐसे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल्स मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, किसी भी एक वेबसाइट को खोल लेना है, जो कि ये एक अच्छी वेबसाइट है डिजिट इंडिया, digitin.in के नाम से। अब ये हमने खोल ली, यहाँ पर टॉप 10 मोबाइल बताएं जो अंडर 10,000 मतलब 10,000 के अंदर जो आपके आ जाएंगे। तो एक तरफ हमें Amazon खोल लेना है, एक तरफ ये, तो मैंने Amazon भी खोल लेता हूँ। अब हमें Amazon के प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पर प्रमोट करने और उनसे अर्निंग करनी है एफिलिएट करके। वो कैसे करेंगे वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा वेट करिए बस। जैसे कि ये हमारी खुल के आ गई, मैं अपना फोटो ये बिल्कुल साइड में कर देता हूँ एकदम, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिखें, ठीक है। तो ये बता रहा है, देखो फर्स्ट बॉन है आसूस का जो टॉप फर्स्ट पे आ रहा है। आप क्या करिए, इसको कॉपी कर लीजिए, केवल नाम को, सॉरी ये कॉपी नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, कॉपी नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप सीधा सर्च करिए अमेजोन में जाके इस फोन को, ये अमेजोन की चलिए, एक तरफ हमने अमेजोन खोल ली, एक तरफ ये टॉप 10 मोबाइल्स देख लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन मोबाइल्स के रिव्यू डालने हैं, जैसे आसूस जेन फॉर मैक्स प्रो। अब हमें अमेजोन में यही फोन सर्च करना है, सर्च बॉक्स में जाना है आसूस जेन फोन, तो हमने ये देखो सर्च किया जेनफोन मैक्स प्रो, यही था MI। तो ये फर्स्ट रैंकिंग पे इनकी वेबसाइट के हिसाब से है, और ये इसकी फ़ोन की कीमत है, आपको मैं दिखाऊं इधर, तो फ़ोन की कीमत है 10,196 रुपये, ठीक है। मैं इसे ओपन करता हूँ अमेजोन पर, हम ओपन करेंगे सबसे पहले, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमने अपने ब्लॉगर पर पोस्ट करने के डाला है, तो सबसे पहले टाइटल आएगा, टाइटल में डाल दीजिए टॉप 10 स्मार्ट फोन अंडर 15,000 डाल दीजिए, 15,000 के अंदर टॉप फोन, ठीक है। तो आपको अभी पोस्ट किस हिसाब से लिखनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको कॉपी पेस्ट करना है, पोस्ट तो कुछ भी नहीं लिखनी, ये मान लो एक तरह से। अब ये आसूस जियो फोन का जो सबसे पहले टाइटल है, इसको आपको कॉपी करना है, कॉपी करना है और इधर जाके अपने जो ब्लॉग में आप पोस्ट लिख रहे हो वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये हमने पेस्ट कर दिया, अब क्या करना है, अब हमें एक फ़ोटो और लेना है इसका, ये है कॉपी इमेज एड्रेस पे, जब आप ओके करोगे ना तो इमेज का जो एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये इमेज वाला बटन देखिएगा, इस पर ओके करना है, जो आपके ब्लॉग स्पॉट पे जहाँ पे ब्लॉग बनाया है, और फ्रॉम URL लिखा है उस पर ओके करो और पेस्ट कर दो।
पेस्ट करने के बाद सीधा ये फ़ोन आपका आ जाएगा, ऐड सेलेक्टेड पे ओके करो तो ये फ़ोन की फ़ोटो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये फ़ोन के स्पेसिफिकेशन को कॉपी करना है। तो आप थोड़ा सा नीचे की साइड आओगे तो यहाँ पे आपको फ़ोन के पूरे स्पेसिफिकेशन दे दिए जाएंगे। यहाँ पे सी मोर प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है, ये पूरी डिटेल अब आपके सामने आ गई, टेक्निकल सारी चीज़ें। तो सबसे पहले प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को हम करते हैं कॉपी, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कंट्रोल सी से हमने कॉपी किया और ब्लॉगर में गए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आई, अब हमें क्या करना है, द्वारा से गए, अब ये टेक्निकल डिटेल्स हैं तो टेक्निकल डिटेल्स को भी हम क्या करेंगे, सभी को कॉपी कंट्रोल सी, फिर गए ब्लॉग स्पोर्ट वाले ब्लॉग जहाँ पे ब्लॉग बनाया वहाँ पे पेस्ट कर देंगे इन्हें, ठीक है। अब फिर से नीचे आते हैं, थोड़ा नीचे आएंगे और अब द्वारा से हम Amazon में जाएंगे, Amazon में अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, इन्हें भी कॉपी कर लेंगे, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम करते हैं कॉपी कंट्रोल सी, ब्लॉगर में जाएंगे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे नीचे आएंगे कंट्रोल वी करेंगे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पेस्ट हो जाएगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो अमेजोन के लिंक है उन्हें रिमूव कर देना है, इन पे ओके करके। तो यहाँ पे ये रिमूव का ऑप्शन आता है, जैसे स्मार्टफोन आ रहा है वहाँ पे अमेजोन के सभी लिंक को रिमूव कर देना है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि अमेजोन के लिंक नहीं देखने चाहिए, वरना लोग अमेजोन से ही खरीद लेंगे, फिर आपकी वेबसाइट पर क्यों आएंगे। तो सभी अमेजोन के लिंक जो भी आपको जहाँ जहाँ पे अभी देखें, वैसे हर जगह नहीं होते, केवल जहाँ पे आपको ब्लू ब्लू सा टैग दिखे तो वहाँ पे ये दिखते हैं। अब आपको क्या करना है, अब ये हो गया प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन आपने डाल दी, अब आपको नीचे एक बाई नाउ का बटन डालना है, जहाँ पे कोई ओके करेगा तो आपके लिंक से खरीदेगा, मतलब कैसे खरीदेगा वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं जाता हूँ यहाँ पे बाई नाउ का एक बटन देख, तो ये वाला इतना अच्छा नहीं लग रहा, मैं कोई और देख लेता हूँ जो अच्छा लगे, ये ले लेता हूँ, ये ठीक है बाई नाउ का, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट भी है। कॉपी इमेज एड्रेस पे आपको ओके करना है और अपने ब्लॉगर में जाना है और यहाँ पे इमेज पे ओके करना है और लिंक को पेस्ट यहाँ पे कर देना है जो कॉपी लिंक आपने किया है, और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, पहले तो इसको थोड़ा रुकिए, एक मिनट में इसे सेट कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है, ये आ गया। आपको अब क्या करना है, जैसे ये आसूस का जो फ़ोन है तो आपको ऊपर की साइड अपनी ईमेल आईडी से अमेजोन में साइन इन कर लेना है। तो यहाँ पे देखो आपका एफिलिएट अकाउंट यहाँ पे दिख भी रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर की साइड गेट टेक्स्ट लिंक, आपको यहाँ से लिंक ले लेना है। अब ये आपका लिंक हो गया इस फ़ोन का, इस लिंक से कोई भी कुछ भी खरीदेगा, ये फ़ोन ऑर्डर करेगा तो उस पर आपको 6-10% तक कमीशन मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, ये ब्लॉगर पे आ गए, ये बाई नाव पे हमने क्लिक किया, उसके बाद ये लिंक पे ओके किया, फिर एक और बार बार बाई नाव पे क्लिक किया, फिर लिंक पे क्लिक किया और आपको अपना ये लिंक यहाँ पे दे देना है। मतलब इसका मतलब है, अगर कोई इस बाई नाव पे ओके करता है और इस फोन को खरीदता है तो आपको 7-8% कमीशन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे बता रहे हो टॉप 10 स्मार्टफोन्स अंडर 15,000, तो अभी तो एक ही डाला है, ऐसे ही कर करके आप और भी डाल दीजिए। तो ऐसे ये एक फोन का हो गया, ऐसे सेकंड यहाँ पे दूसरा सेलेक्ट करके आप दूसरे फोन की पूरी ऐसी डिटेल डाल दीजिए, ऐसे तीसरे की, ऐसे 10 बाई नाउ का लिंक करके यहाँ पे आपको अपना लिंक ऐड कर देना है, जैसे मैं लिंक दे रहा हूँ। अब मैं इस आर्टिकल को एक ही डाल के पब्लिश कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि हाँ भाई ये कैसा दिखेगा और कस्टमर कैसे इससे ऑर्डर करेगा, ठीक है। अब हम आ गए यहाँ, अब थोड़ा इसे रेफ्रेश करते हैं, अभी तो ये खाली दिख रहा है, जब पोस्ट नहीं थी, रेफ्रेश करता हूँ मैं, उसके बाद एक पोस्ट हमने डाल दी है।
देखो ये आ गया आसूस का फ़ोन, टॉप 10 स्मार्टफोन, इस पे कोई ओके करेगा? हाँ हम ओके करते हैं, ठीक है। जब ओके करेंगे तो ये पूरी डिटेल खुल के आएगी, ये सारी चीज़ें क्या क्या है इस फ़ोन में, क्या नहीं है, सारी डिटेल। फिर अगर कोई ख़रीदना चाहेगा तो बाई नाव पे ओके करेगा, जब बाई नाव पे ओके करेगा तो ये सीधा ट्रांसफ़र हो जाएगा अमेजोन की वेबसाइट पर। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे होगा, थोड़ा मेरा नेट स्लो है इसलिए। देखो ये अमेजोन की वेबसाइट पर सीधा आ जाएगा। अब अमेजोन की साइट से कोई ख़रीदेगा तो आपके लिंक के थ्रू आया है तो आपको वहाँ पे कमीशन मिलेगा। 10,000 का फ़ोन है, अगर आपको 5% भी मिलता है तो अच्छा खासा मिल जाएगा। ऐसे ही आप अलग अलग चीज़ों के रिव्यू की वीडियो डाल दीजिए और कॉपी पेस्ट करना है आपको, वीडियो नहीं सॉरी आर्टिकल कॉपी पेस्ट कर करके आपको डालना है, और आपके लिंक से मतलब बाई नाव का आप जो लिंक दे रहे हो वहाँ से कोई भी ख़रीदेगा तो आपको कमीशन ज़रूर मिलेगा। और आपकी अर्निंग्स में, ये आपका अमेजोन का है ना, यहाँ पे ऊपर अर्निंग्स आता है, या तो अमेजोन एफिलिएट में आप डायरेक्ट जाके देख सकते हो amazonaffiliate.com पर, तो वहाँ पे भी आपको दिख जाएगी आपकी अर्निंग, या आप यहाँ से अर्निंग्स पे ओके करोगे तो यहाँ पे अर्निंग आपकी दिखा दी जाएगी। 225 रुपये वो सारी चीज़ें, कितनी आपकी अर्निंग हो रही है, सारी डिटेल, क्या क्या ऑर्डर हो रहा है देखो आपके लिंकों के थ्रू, वो सारी डिटेल आपको दिखा दी जाएगी। कितनी टोटल की सेल हुई है मेरी, देखो 4234 रुपये की मेरे लिंक से हुई है। तो इस तरह से मैं अमेजोन एफिलिएट को यूज करता हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ऐसी वीडियो आगे भी पाने के लिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।